रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार 19 फरवरी को कावेरी एक्सप्रेस में बैठकर मैसूर से बेंगलुरु तक का सफर किया। इस यात्रा के दौरान रेल मंत्री आम यात्रियों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। पीयूष गोयल को अपने बीच पाकर रेल में सवार यात्री अचंभित रह गए और उनके बीच रेल मंत्री के साथ फोटो क्लिक करने की होड़ मच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन योजनाओं में हमसफर एक्सप्रेस भी शामिल थी, जिसे पीएम ने मैसूर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने यहां एक जनसभा को भी संबोधित किया और जनता की भलाई के लिए किए जा रहे रेलवे के काम की तारीफ भी की। कार्यक्रम में रेल मंत्री पीयूष गोयल उनके साथ रहे, लेकिन इसके बाद वो वहीं से ट्रेन की जनरल बोगी में सवार हो गए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अलग अलग बोगियों में जाकर यात्रा कर रहे मुसाफिरों से रेलवे की सुविधाओं और शिकायतों के बारे में पूछा। इस दौरान कई लोगों ने यात्रा के दौरान आने वाली दिक्कतों से रेल मंत्री को अवगत कराया। सफर में बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी रेल मंत्री के साथ सेल्फी लेते भी दिखे। रेल मंत्री ने न सिर्फ यात्रियों से बल्कि ट्रेन में सवार रेलवे स्टाफ से भी मुलाकात की और उनके काम की सराहना भी की। पीयूष गोयल ने रेल यात्रा के अनुभवों को साझा करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि यात्रियों से मिले सुझाव उन्हें रेल के सफर को और शानदार बनाने में मदद करेंगे। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।